बता दे रही थी अभी तक हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में देर रात बादल फटने से काफी तबाही मची हुई है और इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश की जिला मंडी में मौजूद हूं और लगभग 6 घंटे की जो है वो चढ़ाई कर करके जो है एक गांव में पहुंचा हूं और इस गांव में देर रात जो है बादल फटने से जो है तकरीबन जो है 6 से 7 घर जो है वो ढह गए हैं और 3 लोगों की जो है मृत्यु हो गई है और अभी भी 7 से 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। गांव के कुछ लोग हमारे साथ हैं, ये बताइए कि क्या हुआ था रात को? रात को 12 बजे का टाइम सर, बादल फटने का ऊपर से फट गया सर बादल, कोई पता नहीं सोए हो सर, रात को रगड़े गए सर 7 आदमी सर 10 आदमी सर। तो आपके घर के किन किन लोगों की इस हादसे में मरोड़ में सर? सर गले में हो रहे कुछ सर, क्या नाम माता पिता थे सर 2 और छोटे भाई के 2 लड़के, एक छोटे भाई की घरवाली, एक उसकी लड़की और एक सर छोटा भाई रेफर कंग टांडा में किया हो सर, वो ज्यादा सीरियस है सर। तो बाकी सर के एक जो हमारा रिश्तेदार आया था वो यहाँ सर, वो उसकी डेथ भी आई हो गई सर, 7 आदमी हो गए सर यहाँ डेथ। तो उसमें सर माता पिता मिले हैं, 5 बंदे सर अंदर लापता है और 2 बंदे सर इनके बेचारे के पारे वाले घर के, वो भी नहीं मिले सर, वो भी लापता है सर। तो इस वक्त जो हम खड़े हैं ये नाला है या घर है, क्या लग रहा है सर? घर यहाँ से आगे सर घर ही था, पूरा घर था सर यहाँ से आगे। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये इस वक्त नाला नहीं है, ये आपको जो सामने नजर आ रही होगी ये दीवार, घर की दीवार है और जो बादल फटने के बाद जो था पानी का बहाव इतना तेज था कि पानी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर और जो लकड़ियां थी वो जंगल से आती हैं और उसके बाद जो है वो घर जो है पूरा नाले में तब्दील हो जाता है और तकरीबन इस गांव में जो है 60 से 70 लोग रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो है पूरे गांव में जो है वो जो है रात का समय हो चुका है और पूरी रात जो है अब बिजली की भी यहाँ पर जो है कटौती की गई है और जो पूरी जो पानी का जो भाव है वो पूरे यहाँ पर घरों के ऊपर से जो है फिलहाल बह रहा है और कई घर जो है पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कई लोग अभी भी लापता हैं। और बताया ये जा रहा है कि 7 से 8 लोग अभी भी यहीं जो इस मलबे में जो है वो दबे हुए हैं और NDRF की टीम जो है सुबह यहां पर पहुंची थी 10 बजे के करीब और 5 बजे तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, क्योंकि ये जो रास्ता है ये रोड से लगभग जो है ऊपर 5 किलोमीटर तक जो है पैदल रास्ता है, उसके बाद जो है वो खड़ी चढ़ाई है और उसके बाद इस गाँव में पहुंचा जा सकता है। तो न्यूज 18 इंडिया जो है ग्राउंड रिपोर्ट पर इस वक्त पहुंचा हुआ है और ग्राउंड रिपोर्ट की आपको ये जो रिपोर्ट जो है दिखा रहे हैं। मंडी जिले में ये आप तस्वीरें देख रहे हैं तरास्ते की और पूरी जो अभी जो है रात हो चुकी है और रात के समय भी जो है लोग जो है यहाँ पर जो अपने रिश्तेदारों के घर आ रहे हैं और तबाही का मंजर आप देख सकते हैं कि क्या हाल है और जहाँ देखिए वहीं पर जो है पूरा गांव जो है एक नाले में तब्दील हो गया है और पूरी जहाँ पर भी आपकी नजर जाएगी वहाँ पर जो है नाला जो अपना रौद्र रूप जो है दिखा रहा है। कल नहीं, रुको तो सही, एक मिनट और रुको। क्या नाम है भाई? चंदन लाल है मेरा नाम। अच्छा ये बताइए कि आपके परिवार के कितने लोगों की जो है? मेरे परिवार के तीनों के तीनों सदस्य चले गए, एक मेरी धोती गई, एक मेरी घरवाली गई, एक मेरी माँ गई और एक साथ में घर भी बह गया और कुछ नहीं रहा। मेरी गुहार है, मेरे पशु पड़े 4, वो पशु मेरे गवर्नमेंट संभाले और गौशाला में छोड़ दो, मेरे को कोई देखने वाला नहीं है। मैं गांव में कितने घर जो है वो ढह गए? इसमें कम से कम याद नहीं आ रही, मैं पजल हो चुका हूँ। मैं लगभग लगभग 4 घर तो खत्म हो चुके हैं। रात को कितने बजे हुआ था? जब 11:15 रहे थे रात को, उस टाइम भूकंप हो गया सर, ठीक है। उसके बाद जो जैसे समय दूसरे घर मकान से इधर आया तो मैंने देखा उधर वाले मकान गए, उधर का मैंने देखा यहाँ जहाँ हमारी फैमिली रहती वो पूरे का पूरा जो हो गया था। उसके बाद जब हम देखा तो उसमें से एक को हम रात को निकाल दिया है, 1 बजे के टाइम से उसको निकाल दिया ना सर। उसके बाद जो हमारे 10 फैमिली जो 10 के 10 वो डेड हो गए हैं। कितने घर है यहाँ पर? घर तो भैया 12-13 घर है जी, 13 में से गांव में कितने लोग रहते हैं? 60-70 आदमी रहते हैं। अच्छा, जी जी। क्या नाम है जी आपका? बालू देवी जी। अच्छा ये बताइए कि क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर रात को 11 बजे फ्लड आया जी, 10 बंदे दब गए जी, 10 बंदे से 7 लाशा भगाई गए, 3 लाशा मिल गई जी।
एक दबा मेरी बुआ का लड़का, मेरे ज्वाई का भाई है, उसका घर दब गया। वो एक मेरी बुआ की लड़की का बेटा था, उसका घर दब गया जी। तो फिर हाँ जी बुरे हाल है, बुरे हाल है जी।